दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों हम फिर से हाजिर हो गए कुछ रिक्रूटमेंट लेके। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भारत संचार निगम लिमिटेड मतलब BSNL में वैकेंसी हैं जो फ्रेशर के लिए डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए है, ठीक है, राजकोटन जामनगर लोकेशन के लिए। यहाँ क्वालिफिकेशन में 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए जो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फील्ड एनी डिप्लोमा होल्डर्स मतलब कोई भी यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 30 नवंबर 2023 है बता दी गई है। यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया बताया गया है कि आप इंडियन रहनी चाहिए, नंबर एक डिप्लोमा होना चाहिए, AICTE से अप्रूव, GOI से अप्रूव होना चाहिए, गवर्नमेंट से वैलिड रहना चाहिए और आपका ऑन एंड और आफ्टर 1 जनवरी 2021 मतलब 1 जनवरी 2021 के बाद का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। एज लिमिट 25 ईयर जो 30/11/2000 का 23 के हिसाब से काउंट की जाएगी। 5 साल का SC/ST/PWD कैटेगरी के लिए छूट दिया गया, 3 साल का OBC के लिए छूट दिया गया है, ठीक है। अगर आप करंटली कहीं पे भी अप्रेंटिस कर रहे हो तो आप इस क्राइटेरिया में नहीं आते, इस फॉर्म को भर नहीं सकते। मंथली यहाँ पे 8,000 रुपये पर मंथ रखा गया है। एजुकेशन ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डिप्लोमा पास आउट कोर्स होना चाहिए जो AICTE GI से रहना चाहिए और 1 जनवरी 2021 के बाद का रहना चाहिए। सिलेक्शन का तरीका क्या है तो यहाँ पे बताया गया है वो सारी ये चीज़ें कि सिलेक्शन किस बेस से कैसे कैसे जो है होगा। तो सबसे पहले तो आपको अप्लाई करना रहेगा। अप्लाई करने के बाद तो यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आपको जो है मेरिट लगेगी, मेरिट एंड जो है पर्सनल इंटरव्यू के बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको ज्वाइनिंग डेट दे दी जाएगी। यहाँ पे एप्लीकेशन का कोई फीस नहीं है, वही चीज़ यहाँ बताया गया कि MHRD पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वहीं पर आप अप्लाई कर पाओगे। 30 नवंबर 2023 से पहले अप्लाई कर पाओगे। कोई क्वेरी है तो यहाँ पर मेल आईडी दी गई है जिस पर आप क्वेरी अपना रिजॉल्व करवा सकते हो। जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि 1 ईयर का ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है, और इन जो भी क्राइटेरिया उसे फुलफिल करोगे तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। अब आपको जो है वेतन वो जो अप्रेंटिस एक्ट के अकॉर्डिंग मिलेगा वो मिलेगा। 1/11/2023 से 30/11/2023 तक आप इस एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो वही चीज़ दोबारा से जो है रिपीट हुई है, मैं एक तरीके से बात करूँ तो वही मैक्सिमम चीज़ें हैं जो इधर उधर घुमा के बताई जा रही हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपके पास अकाउंट MHRD पे बनाने के लिए क्या क्या चाहिए वो चीज़ें बताई गई है, आधार कार्ड, एजुकेशन, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बैंक स्टेटमेंट हैं, वैलिड पर्सनल ईमेल ID, मोबाइल नंबर, ये सब सारी डिटेल्स होनी चाहिए। देन यहाँ पे अकाउंट आप बना सकते हो। इस तरीके से आपको जो है अपना सारी डिटेल डालनी रहेंगी, ठीक है, और बाकी डेट दी गई है, इंटरव्यू डेट बता दी जाएगी आपको। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। तो मिलते, जय हिंद, जय भारत।